वेलकम बैक जी डॉक्टर डॉक्टर इशियत हुसैन साहब, आप जी आप फरमा रहे थे कि कलेक्टर सीआईआरसी बनाई और उससे काफी रिकवरी हुई और जो सिख इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई थी जिसपे इतना सारा मुल्क का कैपिटल लगा हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज लगा हुआ था, अच्छी मशीनरी थी, वो प्रोडक्शन में चली गई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई गई उसकी वजह से, और जो डिफरेंस था बिटवीन द ऑक्शन वैल्यू और जो एक्चुअल ओरिजिनल वैल्यू थी उसको राइट ऑफ किया गया। लेकिन डॉक्टर साहब उसमें भी बहुत सी करप्शन रिपोर्ट हुई बाद में, खासतौर पे कि बहुत सारे यूनिट्स ऐसे थे। तो ये एक शेवा हो गया है इस मुल्क का कि हर चीज में हमें खराबी नजर आती है। इम्पैकेबल क्रेडेंशियल्स के लोग थे जैसे तारिक हमीद खान थे, उसके चेयरमैन थे वो, उसमें बोर्ड में बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर के लोग थे, वो उसको अप्रूव कर थे, लेकिन यहाँ तो इल्जाम तराशी और ब्लेम गेम जो है। डॉक्टर साहब अगर अगर उस रेशियो को देखा जाए, डॉक्टर साहब अगर उस रेशियो को देखा जाए जिन सिख यूनिट्स को उन्होंने करार दे दिया कि ये वाकई सिख हैं और कुछ को रिवाइवल का भी उन्होंने स्टेटस दे दिया, तो उसमें तो क्लियर कट नजर आता है कि जो रिवाइवल के लिए स्टेटस दिया गया, जिनको थोड़ा सा इंजेक्शन भी दिया गया पैसे का के मजीद पैसे दिए जाए। इंजेक्शन तो वो उसकी अपनी क्रेडिट वर्थिनेस के ऊपर है। वो तीसरी चीज थी, वो तीसरी चीज ये थी कि एक कमेटी बनी हुई थी फॉर द रिवाइवल ऑफ द सिख इंडस्ट्रीज। एग्जैक्टली, उसमें लोन की रिस्ट्रक्चरिंग हुई है और वो बायलैटरल बिटवीन द बैंकर्स एंड द एंटरप्रेनर्स हुई है। मैं तो डॉक्टर साहब उसमें स्टेट बैंक का तो रोल था ना, मालिक जो है उसको हटा दिया गया और तीसरी पार्टी को दिया गया। वो जो कमेटी ऑफ सिख रिवाइवल इंडस्ट्रीज थी उसका काम था बायलैटरल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। कि आपने कहा कि अच्छा ये जो हमारे कोलैटरल्स हैं मैं इनको जो है वो फोर्स सेल वैल्यू पे बेच देता हूं और उसको एडजस्ट कर देता हूं, बाकी जो आपका मार्कअप है विच इज एन इन्फ्लेटेड मार्कअप वो हम राइट ऑफ कर देते हैं। लेकिन स्टेट बैंक उस वक्त चौथा था, सुनिए, चौथा था कि कोर्ट्स ने डिक्रीज दी थी, 80 बिलियन रुपीस की डिक्रीज कोर्ट्स ने दी थी, बैंकिंग कोर्ट्स ने, लेकिन डिक्री वैल्यू जो थी और जो ओरिजिनल फेस वैल्यू लोन की थी उसमें फर्क था। कि अगर ओरिजिनल फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपए है तो इन्होंने कहा कि नहीं ये 70 रुपए है डिक्री में, तो 30 रुपए का जो है वो राइट ऑफ हुआ। इसके बावजूद भी बैलेंस शीट जो थी वो कमजोर थी। हबीब बैंक पे और यूनाइटेड बैंक पे अलोन स्टेट बैंक को 46 बिलियन रुपीज इंजेक्ट करने पड़े टू वॉश ऑफ देयर कैपिटल जो कि इंपेयर हो गया था। तो ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम था जिससे सारा बैंकिंग सेक्टर जो था वो थ्रेटन था। तो फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर हमने बीपीडी 39 की स्कीम बनाई, उसमें कहा कि आपके पास जिनकी सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं इनको आप डिस्पोज ऑफ करें, बेचें, इसको एडजस्ट करें अगेंस्ट अ लोन और बाकी जो अमाउंट है वो आप इनका जो है वो राइट ऑफ करके इनको भी छुट्टी करें और अपनी बैलेंस शीट भी ठीक कर दें। डॉक्टर साहब देखिए एक छोटी सी बात, 25% से 6% पर आ गया। कैपिटल स्ट्रेंथनिंग इतनी हुई है कि इस वक्त हमारे पास 7 गुना कैपिटल है बैंकों का, जिसकी वजह से ये क्राइसिस जो हुआ है वो क्राइसिस को पूरी तरह से मजबूत कर सके हैं, फेस कर सके हैं, क्योंकि बैलेंस शीट मजबूत हुई है। तो एक तो अच्छा मुल्क में काम हो, लेकिन आ जाता है उसको पोलिटिसाइज करना क्योंकि दो चीज हुआ है इसलिए ये सारा खराब है। डॉक्टर साहब पोलिटिसाइज तो इसलिए हुआ ना कि जब 55 अरब रुपए के लोन जो है राइट ऑफ होते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, और उस वक्त क्लेम ये किया जाता है कि 8% जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है और इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूअसली एक बाकायदा पैटर्न पॉजिटिव पैटर्न की तरफ रही, तो उस दौर में अगर इंडस्ट्री जो है वो नहीं चल रही थी तो फिर 55 अरब रुपए चल रही थी। आप यही तो गलतफहमी है, डबल डिजिट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ हो रही थी, इन्वेस्टमेंट रेशियो 17% से 23% हो गया था। ये सारा प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट की वजह से हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ने कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है वो इंफ्यूज किया है, उसकी वजह से ग्रोथ हुई है। अगर सिर्फ आपको शरद साहब को क्रिटिसाइज करना है, बहुत सारी चीजों पर कर सकते हैं, लेकिन इस चीज पे नहीं कर सकते हैं कि इकोनॉमिक रिवाइवल जो थी बल्कि वो इस वजह से ठीक हुई कि आपने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाया और सारी दुनिया मानती है। अब उसको आप जो है लेकर बैठे हुए हैं 10 साल के बाद के जनाब, 2001 में ये हुआ है, अब इस मुशर्रफ साहब ने अपने हवारियों को किया उसमें। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ मिनिस्टर है मौजूद नवीद कमर साहब और सेनेटर तारिक अजीम साहब जो उस दौर में भी थे, इनसे भी गुफ्तगू करते
करते हैं, आपने भी बातें सुनी है नवीन कुमार साहब, एक आप लोगों की गवर्नमेंट जब आई तो आप लोगों ने कहा कि हमने इनहेरिट की है प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो अगर ये इनका क्लेम था, जिस तरह मैंने अभी डॉक्टर साहब से भी पूछा कि क्लेम था कि जी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 8% तक गई है और वो एक स्टेडीली मूव करती रही है, कोई उसमें इंटरप्शन भी नहीं आई, तो उसके बावजूद सिल्क इंडस्ट्री को रिवाइवल के लिए 55 अरब रुपए के राइट ऑफ किए गए, तो इस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए दो चीजें, पहले तो ये चीज के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे वो रियल थे, वो कोई इन्वेंटेड प्रॉब्लम्स नहीं थे, कि जो बलूनिंग डेफिसिट की हुई थी एट द टाइम दैट वी टुक ओवर, या जो हिडन सब्सिडीज थी जिसकी वजह से सर्कुलर डेट बना, वो भी एक रियलिटी है अनफॉर्चुनेटली. तो ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे, हमारा जो क्रिटिसिज्म अर्ली पहले होता था कि चौधरी साहब की जो इकोनॉमी थी वो सस्टेनेबल नहीं थी. बेसिकली अगर ग्रोथ है भी तो ग्रोथ ऐसे सेक्टर्स में है जो कि इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, बजाय एग्रीकल्चर में होने के जो है, अगर सर्विस सेक्टर में होती है तो एक तो वो एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं क्रिएट करती है, और सेकेंडली उससे जो पावर्टी गैप है वो भी बढ़ता है, क्योंकि वो ट्रिकल डाउन उस लिहाज से नहीं आता, और सोशल सेफ्टी नेट्स भी नहीं थे. तो ये सारी चीजें थी जिसको स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो उसमें प्रॉब्लम्स होते थे. अभी डॉक्टर इशा साहब ने कहा कि जी 90s के पीरियड में बहुत ज्यादा जो है लोन दिए गए, उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आई और नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत रही, तो ये आपने अभी पहले बात की तारिक अजीम साहब के क्या क्राइटेरिया क्या होता था, क्यों दिए जाते थे लोन, वो तो अब हो गया, लेकिन अब जो सूरत हाल है इसमें देखें कि ये पैसा क्या रिकवर होना चाहिए था कि नहीं. देखें दो हैं, एक तो है कि विलफुल डिफॉल्ट है, जानबूझ के आपने डिफॉल्ट की है जिसमें आपको पता है कि आप पैसा दे सकते हैं, वापस दे सकते हैं, डायरेक्टर्स जो हैं वो दे आर क्वाइट कैपेबल, जिन्होंने गारंटीज दी हुई हैं, कोलेटरल दिया हुआ है, या स्टिल इन अ पोजीशन, या फैक्ट्री है या जो भी इंडस्ट्री है, दे स्टिल इन अ पोजीशन टू पे बैक, उसका आपने राइट ऑफ कर दिया, वो जो है गलत बात है. लेकिन अगर ऐसे हालात हैं, मसलन जलजला आ गया, आपके मुजफ्फराबाद में फैक्ट्री है, फैक्ट्री आपकी खत्म हो गई, यू आर नो वे गोइंग टू रिकवर दैट और पैसे रीपे कर सकते हैं, तो आपको राइट ऑफ करने पड़ेंगे. ये तो बहुत जेन्युइन केस है, जी बहुत जेन्युइन केस है ना, देखना क्लैमिटीज होती हैं, मतलब और कई चीजें हो सकती हैं, जहां पे आई मीन ऑपरेशन हो रहा है वहां पे उन्होंने, आई कैन गिव यू मेनी एग्जांपल्स कि जी आप यू आर टोटली रिलाइंग ऑन एक्सपोर्ट टू वन सिंगल कंट्री, वहां पे ऐसा प्रॉब्लम आ गई कि आपके एक्सपोर्ट. अब इसके अलावा भी आपको ये देखना पड़ेगा, अगर 2001 में, मैं डॉक्टर साहब से बहुत एग्री करता हूं कि मुशर्रफ साहब पे क्रिटिसाइज करना है तो बहुत सारी चीजें हैं क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन जब यह 2001 में अगर आपने कर्जे माफ किए तो ये तो नहीं पॉसिबल कि 2001 में किसी ने कर्जा लिया और आपने 2001 में उसको माफ कर दिया. लाजमन जो कर्जे लिए, नहीं सुन ले मेरी बात, लाजमन कर्जे जो थे वो पहले पीरियड में लिए गए होंगे, को 8-10 साल से नॉन परफॉर्मिंग होंगे या 5 साल से नॉन परफॉर्मिंग होंगे, तो ये तो नहीं हो सकता कि 2000 का एक का कर्जा उसी दिन माफ कर दिया गया. तो दीज बार पहले तो ये देखना है कि कर्जे लिए कब गए थे. लेकिन तारिक साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि किन इंपॉर्टेंट लोगों के कर्जे. जी बिल्कुल, बात करेंगे लेकिन अब देख लेंगे एक छोटी सी ब्रेक. नाज़रीन टाइम फॉर अ ब्रेक, स्टे विद अस.